ये सारा मीठा मीठा खा के कह रहे दही सही है बस। अब ये बताओ आपको हार के कैसा लग रहा है? थोड़ा सा रह गया यहाँ से, थोड़ा बड़ा था वैसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा कैंपिंग का सेकंड डे। ये देखिए पहाड़ के पीछे से सूरज निकलता हो, कितना प्यारा नज़ारा दे रहा है। और सभी कैंप्स में अभी लाइट जली हुई है। और अपने मंजीत भाई मैं दिखा देता हूँ आपको। मंजीत भाई कैसी रही रात? भैया शरीर थोड़ा जाम सा हो रहा है, अकड़ गए। स्लीपिंग बैग में शरीर खुला नहीं, बस ये पैक ही हो गई, इसमें पैक ही हो गए। बाकी रात को भाई हमने बहुत कॉमेडी करी। बाकी भाई फर्स्ट वो ये क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस था इसमें लेटने का, रात को खूब कॉमेडी चली। और ये बोन फायर लगी हुई है बाहर, और ये देख सकते हैं वो उसकी बूंदे, आप लोगों ने शायद की हो पहले, मगर हमने तो भाई वो फर्स्ट टाइम किया है। काफ़ी मज़ा आया, और कोशिश करेंगे आगे की वीडियोस में भी आपको दिखाते रहें दोस्तों ये सब। तो बने रहना आज के व्लॉग में भी, आज का भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज भी हम एक बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं, और बहुत ही एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, बुरुस तो कर ले, उठने तो दो। निकलना पड़ेगा इससे पहले जाम हो रखे है। भाई मैं तो अपना लेकर आया था बैटिंग। दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूँ सूरजगढ़ फार्म, और ये फेमस है अपने एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए। हाँ तो यहाँ पे 100 से भी ज्यादा एडवेंचरस एक्टिविटीज है जो हम आपको अंदर करके दिखाएंगे। बहुत ही बड़ा फार्म है, और यहाँ पे बहुत ही भीड़ लगती है, और यहाँ की पार्किंग भी भरी हुई है दोस्तों। और दोस्तों ये मैंने ले लिए स्टार्टिंग में ही जा करके बैंड। हाँ। और ये बैंड दिखाकर अब हम जाएंगे अंदर, एंट्री करेंगे। हाँ। तो ब्लॉग में मैं, मेरा भाई मंजीत और एक मेरे दोस्त जेडी भाई बने हुए हैं, भी बने हुए हैं। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होएगा, बहुत ही अमेजिंग दोस्तों आपके लिए। तो ये आ गए जेडी भाई, रेडी हो भाई? रेडी भाई रेडी, चलिए चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे है इनका टिकट काउंटर, और टिकट काउंटर से ले लिए हैं मैंने अपने एंट्री बैंड। यहाँ से अब हम करेंगे एंट्री, और यहाँ की जो टिकट प्राइस है वो है 849 रुपीस पर पर्सन। चलिए चलते हैं अंदर और चल के एंजॉय करते हैं। ये बंधवा लिया हमने बैंड, और चल रहे हैं अब अंदर की तरफ। राम राम जी, राम राम। और यहाँ पे तिलक हो रहा है। ये देखिए दोस्तों क्या रंगारंग प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। जय तैयार हो गए हैं बेडू में भी आके चले भाई। हां आ गया, धमाल मचाने दोबारा। ये किरामत तेरा भैया। चलो भाई लोगों चलते हैं हम यहां से आगे सूरजगढ़ के अंदर जाएंगे अब हम। यहाँ से अब हम करते हैं एंट्री सूरजगढ़ के लिए, और सूरजगढ़ फार्म हाउस फेमस है अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर। एंटरटेनमेंट एरिया है, मॉनसून मेनिया है, चेंजिंग रूम और सामान घर भी सब इधर है। अगर आपको लगेज लेकर आते हैं तो यहाँ रख सकते हैं इजीली। उत्सव मेला और रंग भूमि सब यहीं पर है। और अगर आप इधर लेफ्ट साइड में देखते हैं तो यह मिट्टी के चूल्हे से जो भी कुछ खाना वाना आपको खाना है, खान पान है, साथ में वॉशरूम है। किसमें कितना है दम, मतलब कुछ एडवेंचर एक्टिविटी भी है। और मेरा बचपन में जो हम खेला करते थे एक्टिविटीज़ वो सब है यहाँ पे। खेल और जंगल सफारी भी इधर की तरफ है। तो मैं पहले किधर की तरफ जाऊँ दोस्तों बताइए, राइट जाऊँ या लेफ्ट जाऊँ? तो भाई हमें कहाँ जाना चाहिए, लेफ्ट या राइट? राइट राइट नहीं, लेफ्ट चलते हैं इधर से, क्योंकि इधर खाना पीना भी है और एडवेंचर एक्टिविटीज भी है। खाना ही करते हैं पहले। तो चलिए पहले कुछ खा पी लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको धमाल मस्ती यहाँ की।
सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वेलकम स्नैक्स है जो हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। ये देखिए स्नैक्स हैं, अदर पकौड़े हैं, वो देखिए पीछे पकौड़े तले जा रहे हैं, और इस तरफ है जलेबी, ये देखिए पीछे वो जलेबी तली जा रही है भाई। दोस्तों यहाँ एंट्री करते ही हमारे को मिल गई है गर्मा गर्म पकौड़े और जलेबी, और ये हमारे भाई लोग हैं इंजॉय करते हुए। कैसे लगी भाई? मज़ेदार। तो मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ जलेबी। चलिए दोस्तों जलेबी पकौड़े खाने के बाद चलते हैं आगे की तरफ, और मैं दूसरे फूड सेक्शन में चल के दिखाता हूँ आपको वहाँ क्या क्या बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मिट्टी के चूल्हे से तैयार हो गया है खाना, और यहाँ पे मैंने ले ली है अपनी प्लेट। ये देखिए लाल चटनी, साथ में यहाँ है हरी चटनी, यहाँ पे है चूरमा, देसी घी और दूध का है चूरमा। तो सबसे पहले यही ले लेता हूँ मैं। दाल तो गर्मा गर्म दाल तो बनती है दोस्तों। सरसों का साग, ये देखिए दोस्तों क्या जबरदस्त एकदम हरा हरा साग है, ऊपर ये घी तैरता हुआ। तो दोस्तों मैं कड़ी तो खाता नहीं हूँ, इसको मैं अभी होल्ड पे छोड़ देता हूँ, पर खाना यहाँ देखने में ही बहुत लजीज लग रहा है, और देसी खाना है तो मुंह में पानी आना तो बनता है। और ये देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में एकदम चूल्हे पे रोटी बनाई जा रही है, वो भी हाथों से बेल के। ये है आपकी बाजरे की रोटी जो तैयार हो रही है यहाँ पे। तो मैं अभी बस इसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, जब तक मैं रख देता हूँ ये प्लेट यहाँ। तो यहाँ पे बाजरे की रोटी तैयार हो गई है, देखिए कितना घी भर भर के, देसी जो है ना वाइट बटर भर के दी जा रही है। ये आ गई है हमारी बाजरे की रोटी गर्मा गर्म। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना लंच। तो चलिए ये भी ले लेते हैं, ये देखिए ये छाछ, देसी छाछ, और यहाँ ये तैयार हो गया हमारा पूरा लंच। तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं। देसी खाना खा लिया है, और यहाँ ये देखिए सामने डीजे वगैरह चल रहा है, बट हम उधर ना जा करके इधर चलेंगे, जो एक्चुअल एक्टिविटी एरिया है ये, यहाँ पे आपको कमांडो ट्रेनिंग मिलेगी। ये देखिए सामने कमांडो ट्रेनिंग का पूरा नेट वगैरह लगाया हुआ है, और इस तरफ ये देखिए पे एटीवी राइड से आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा पूरा सेक्शन बेसिकली बड़ों के लिए है एक्टिविटीज़ एरिया। इसके बाद लेफ्ट साइड में भी इधर है, बट पहले हम इधर करते हैं कुछ, और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। ये ब्लॉग थोड़ा लंबा रहेगा, पर इंजॉय कीजिएगा हमारे साथ और आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ पे मेन चार एक्टिविटी है, जो है टायर ब्रिज, साथ में स्विंग ब्रिज है, ये एलिफेंट वॉक है, और ये प्लैंक वॉक है। तो मंजीत भाई और जेडी भाई चलो शुरू हो जाओ सबसे पहले। यही सोच रहे हैं, कई ऑप्शन है अपने पास, तो ये चार चार एक्टिविटी दे दी, इनमें से एक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा अपने लिए। एक नहीं भाई, सारी करनी पड़ेगी, आए हो तो पैसा वसूल। पहले हम यही वाली करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे होने वाली है यहाँ पे एंटरटेनमेंट की शुरुआत। जो पहले आ जाएगा भैया जल्दी। ये देखो कितनी चिटिंग करी थी इन्होंने, चाहे भी कूद नहीं पाए। दोस्तों देखते रहिएगा, अभी मैंने मंजीत भाई को हराया था, अभी बारी आ गई मंजीत की और जेडी भाई की, गो। तो दोस्तों ये मंजीत और जेडी दोनों चढ़ गए हैं, ये देखिए जेडी की स्पीड अलग है एकदम, मंजीत भाई भी अपने लगे हुए हैं दे दनादन, और सबसे पहले करा है भैया। ये देखिए क्या स्पीड से आ रहा है। ले भाई ले भाई, मंजीत भाई ने जीता, जीत गए, और भाई जेडी भाई 2 सेकंड से हार गए। तो भाई फाइनली ये हो गया, भाई साहब कौन जीता? रेड वाले रेड वाले। तो भैया ये मंजीत भाई जीत गए, इनका
विक्ट्री डांस दिखाओ, विक्ट्री डांस, विक्ट्री डांस, ये थर्ड सर्किट हो रहा है, ये बीच में खड़े हैं, इनको क्या करना है, पूरा हर्डल कंप्लीट करके वापस इधर ही आना है और मेरे को टच करना है, तो ऑन ए मार्क गेट सेट गो। तो दोस्तों ये देखिए, इधर से जेडी गया, उधर से गया मंजीत, जो पहले वापस आके मेरे को टच करेगा वही जो विनर रहेगा इसका। और ये देखिए बीच में ये जेडी और मंजीत आपस में टच करते हुए बहुत अच्छे सा स्पोर्ट्सशिप दिखाते हुए एक दूसरे को साइड देके नीचे उतरते हुए, उधर राइट साइड में जो है जेडी उतर गए हैं, मंजीत उधर से उतर रहे हैं, और ये देखिए कूद कूद के मेरे को जो टच करेगा। तो मंजीत भाई अब ये बताओ आपको हार के कैसा लग रहा है? थोड़ा सा रह गया यहाँ से, थोड़ा बड़ा था वैसे। और जेडी भाई विक्ट्री डांस हो जाए। और हमारे भाई लोग ये देखिए ये खड़े हुए, ये देखो भैया सही है, सब सही चल रहा है। चलो भैया हमारे को भी करा दो यार राइड, सभी करते हैं, बैठ तो जाओ ये भर। हमारे मंजीत भाई बीच में आ गए हैं और यहाँ कैमल राइड हो रही है। चल भाई डरते रहे ना, कितने साल बाद बैठे हो भैया आप यहाँ? भैया तो मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, एकदम एंजॉय कर रहा हूँ। और ये देखिए वैसे तो गजकोले वाली हो ना भाई, ना ये पूरी गजकोले वाली है, एकदम पूरे के लेकर के सही एकदम एंजॉयमेंट चल रहा है इन दोनों के। भाई आज ब्रुश किया था, देख भाई आपने देखा था भैया, आप इन्हें पानी की बोतल दी थी, ले भाई धो ले। तो दोस्तों देखो कितना मजा आ रहा है इधर, ये छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ कमांडो नेट ट्रेनिंग और ये सब करने के बाद अब हम चल पड़े हैं आगे की तरफ। और यहाँ है ये देखिए कितनी लंबी लाइन, ये है जिप लाइन की, और जिप लाइन भी करीब करीब 3 फ्लोर्स ऊपर है। चल रहा है बुफे, और बुफे में ये देखिए सबसे पहले है सलाद, फिर है आपके अचार, यहाँ पर है रायता, फिर जीरा राइस, दाल मखनी, शाही पनीर, मशरूम मटर, छोले, और फिर आ जाता है आपका, फिर आ जाती है गट्टे की सब्ज़ी, फिर आ जाती है रोटी और नान, फिर यहाँ पे आपके नूडल्स, मंचूरियन, दाल का हलवा और खीर, माय फेवरेट। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा हॉल है जहाँ पे सभी बुफे इंजॉय कर रहे हैं, और हमने अपना जो है प्लेटर वहाँ पर सेट कर दिया है लेकर पहले से ही। और यहाँ मंजीत भाई और ये जेडी भाई, भाई बुफे चल रहा है? हाँ भाई बढ़िया सही है, कोई कमी? पूरी थाली भर रखी है हमने तो, अपनी पूरा भर रच के खाया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हाँ ये देखिए खीर के अंदर जो है ना, आप सब कुछ मिला मुलू के बैठे हैं भाई साहब हमारे, फुल मिक्स बना करके। ये जी मिक्स प्लेट है, खाना आजमा पूरा करने के लिए सारी चीज है इसमें, जैसी एक्टिविटी की है तो। अरे देखो भाई साहब खीर का गिलास भी भर लिया भाई ने। तो भैया पूरा मतलब खाना तो बनता है, जम के खाएंगे अभी और स्टार्ट करते हैं भैया जल्दी है। ठीक भाई लग जाओ फिर, मत कहना मेरे यहाँ पीछे। मंजीत भाई की शिकायत है, ये कह रहे हैं कि हर चीज मीठी मीठी थी। मंजीत भाई क्या था, दाल भी मीठी, गट्टे भी मीठे, छोले भी मीठे, पता नहीं क्या कर रखा था सारी चीज में। तो ये देखो ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये इन्होंने क्या करा, सबके ऊपर एक ही खीर का चम्मच डाल दिया था, सारी चीज मीठी मीठी निकली। थोड़े से इतना मीठा थोड़ी हो जाएगा बताओ, है इन्होंने का घोल डाल रखा था मेरे हिसाब से। ये सारा मीठा मीठा खा के कह रहे दही सही है बस। तो भाई जेडी आपको कैसे लगा? भाई फूड अच्छा था इनका, जो भूख लगी हुई थी, ये जो टिकट में है ना इनका ये बुफे वाला काम बेस्ट, ये सबसे बेस्ट है। तो सामने आप देख रहे हैं वो हॉल नंबर 1 था, ये हॉल नंबर 2 है। यहाँ पे बुफे का जो टाइमिंग है वो है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, और जो देसी खाना का टाइम है वो 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक। दोस्तों ये एक अलग सेक्शन है लेडीज के लिए, यहाँ पे मेहंदी आर्ट वगैरह की जाती है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेहंदी आर्ट की जा रही है, इसके अलावा अगर आप इधर देखें तो इधर मैजिशियन है जो जादू दिखा रहे हैं, ये 1 से 2 सिक्के और 2 से 4 बना रहे हैं। बट इसके चलिए अब इससे आगे चलते हैं, और यहाँ पर है पॉटरी, मतलब मटके वगैरह बनाना। ये देखिए, और यहाँ पे भैया बैठे हैं, ये देखिए छोटे से बच्चे को ये कप वगैरह बनाना सिखा रहे हैं, और पॉटरी का है सेक्शन ये। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है, फैमिली के लिए फुल ऑन एंटरटेनमेंट है। अरे तेरी कब से लाश दिखा, चांदी पानी में कन्या, हमको कब से लाश दिखा, चांदी पानी में कन्या, पानी में कन्या, गोरन पानी में कन्या, पानी में कन्या, गोरन पानी।
दूसरा कलाकार के साथ कर रहे हैं आपकी कला पर शूट कर रहे हैं तारा देश मेरे निरतन अरे बोले तो प्यारो ये देखिए दोस्तों यहाँ चल रही है इतनी सारी एक्टिविटीज़ और जगह जगह पे यहाँ पे ऐसे टेम्परेरी हट बनाए हुए हैं और यहाँ पे बिछाई हुई है खाटे और भाई ने तो खाट पकड़ ली है अपनी पूरा सो गया है ये तो नकली का ये देखिए हाँ भाई रस्सी जल गई पर बल नहीं गया तस्वीर है बेटे बिल्कुल थक गए टूट गए ये तो खत्म हो लिए और ये देखो भाई अभी सो रहा था अभी मोबाइल में घुस गया ठीक है भाई ले रहे भाई स्वाद कैसी लगी ए कैसी लगी मैं यहाँ पे दही बल्ले स्टार्ट हो गए हैं अब यहाँ बन रही है टिक्कियाँ और ये पीछे की साइड क्या बात है ये हमारे बल्ले तैयार हो गए हैं भाई कुछ तो छोड़ दो एक तो खा लूं बल्ले अच्छा ठीक भाई टिक्की के ऊपर भैया ने पिछले 15 मिनट से नजर बनाए रखी है पूरी चश्मे के अंदर से और यहाँ से टिक्की लेके मानेंगे भैया आज बच्चे से पहले कहीं बच्चा खोस के भाग जाए ले भैया जीत गए भैया ले आज तो टिक्की मिल गई भाई 2023 का बड़ा एडवेंचर कर दिया आपने मेरी जेब में ये आपके पीछे आज का यहाँ का सारे ही एक्सप्लोर करवा दिया सूरजगढ़ का और अब हम चलते हैं घर की तरफ लोग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाना इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना पसंद आई हो वीडियो तो शेयर भी जरूर कीजिएगा मैं आपका अपना फूडी राहुल ये मेरा भाई मंजीत मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी से तो टिल देन बाय